बालोट में एक दिन पूर्व यूरिया गोदाम का शटर उठाकर किसानों को बंटवाने के मामले में गोदाम इंचार्ज की शिकायत पर देर रात आलोट थाना में विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्र जादौन सहित अन्य पर शासकीय कार्य में बाधा, लूट एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। दरअसल गुरुवार को आलोट में खाद्य वितरण केंद्र पर लगा डिजिटल सिस्टम फेल होने से किसानों को खाद्य नहीं मिल पा रहा था। जानकारी मिलने पर आलोट विधायक मनोज चावला खाद्य गोदाम पर पहुंचे और गुस्से में आकर गोदाम का शटर उठा दिया और किसानों को खाद ले जाने के लिए कह दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक चावला ने अधिकारियों को भी जमकर खरी खरी सुनाई। इस मामले की बात कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने आलोट SDM मनीषा वास्कले को आलोट से हटाते हुए रतलाम कलेक्टर कार्यालय स्थानांतरित कर दिया और हाल ही में स्थानांतरित होकर आए डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गोट को आलोट का SDM बनाया गया। रात में कलेक्टर और SP ने आलोट पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली। देर रात में गोदाम इंचार्ज भगत राम की शिकायत पर आलोट थाने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्र जाधव एवं अन्य के खिलाफ धारा 353, 332 और 392 के तहत शासकीय कार्य में बाधा एवं लूट का प्रकरण दर्ज किया गया। देखिए, वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा जो कृषकों को यूरिया और खुरक का वितरण का कार्य चल रहा है, बात जहां तक रतलाम जिले में यूरिया की उपलब्धता की है तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को विदित है कि पिछले हमारे जिले में, रतलाम जिले में यूरिया या किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है। हमारे वहां उर्वरक बहुत प्रचुरता से और अत्यधिक मात्रा में है, जिसके कारण कोई समस्या पिछले दिनों उत्पन्न नहीं हुई। कल और आज सर्वर का कुछ प्रॉब्लम था, सर्वर के प्रॉब्लम के कारण से जो यूरिया लोगों को मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा था, क्योंकि पॉज मशीन काम नहीं करता है। उसके बाद भी हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में भी कृषकों की सुविधा के लिए यूरिया हम लोगों ने वितरित किया और इसका इस बात का यह परिणाम है कि हम लगभग 18,500 मेट्रिक टन से अधिक यूरिया का वितरण कर चुके हैं क्षेत्र में, और आज भी हमारे पास में लगभग 3,500 टन यूरिया हमारे पास में मौजूद है। और जहाँ तक बात आलोट की है तो आज भी हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 800 बोरी यूरिया लगभग 125 किसानों को सुबह से वितरित किया है। आज की घटना में माननीय विधायक जी जो यहाँ की सोसाइटी है मार्फेट की, वहाँ DLC है ये, तो DLC पे आए और DLC पे आके उन्होंने जो सेल्समैन है वहाँ के उनसे कुछ उनकी कहा सुनी हुई। इसी बीच माननीय विधायक जी, जैसा कि आज FIR दर्ज हुई है, माननीय विधायक जी ने खुद अपने हाथों से शटर को ऊंचा किया और लोगों को उसको लूट लेने का आह्वान किया। ये जो मेरे मतानुसार अराजकता की श्रेणी में आता है, और चूँकि शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्रता, शासकीय कर्मचारी शासकीय संपत्ति की लूट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है, तो संबंधित जो समिति के जो चेयरमैन हैं, प्रबंधक हैं, उनके द्वारा माननीय विधायक जी श्री मनोज चावला जी और युगेंद्र सिंह जी उनके साथी और अन्य उनके साथियों के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई है। और आज पुलिस थाना आलोट में भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353 और 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है जो मार्फेट के कर्मचारी की FIR पर। शासन प्रशासन का उद्देश्य की धारा 332, 353 और 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है जो मार्फेट के कर्मचारी की FIR पर। शासन प्रशासन का उद्देश्य व्यवस्था बनाना है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन के और शासन का सबसे बड़ा काम है, और जिस तरह की आज घटना हुई वो निश्चित रूप से निंदनीय है, और इसी कारण हम लोगों ने मार्फेट ने उसकी FIR दर्ज करी है। कानून व्यवस्था को हम किसी भी स्थिति में किसी के भी माध्यम से भंग होने नहीं देंगे। और ये मैं यहाँ के किसानों को धन्यवाद दूंगा और कि उन्होंने इस विवाद के दौरान बड़े न्यूट्रल रहे, बड़े तटस्थ रहे और उन्होंने अपनी
शांत रह के अपनी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए किसानों को साधुवाद। लेकिन जिन लोगों ने ये जो आज घटना करी है, जो दूसरे लोग थे उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और आगे भी अगर ऐसा कोई शासन के कार्यों में बाधा डालेगा या कानून व्यवस्था भंग करेगा तो जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी बोरी गायब हुई ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो FIR दर्ज करी है मार्फेड की तरफ से, उसमें 21 बोरी जो है लोग यूरिया जो जो विभिन्न उनके साथीगण आए थे उनके द्वारा लूट की गई है। पूरा सर्वर सिस्टम को लेकर मामला हुआ है सर? हाँ, देखिए ये देखिए, आप चूंकि मीडिया से हैं और आपके पास में सारी बातें होती हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। यहाँ खाद की 1% भी कमी नहीं है, ये सबको विदित है। और यूरिया ही नहीं, दूसरे भी जो खाद है, DAP है, फास्फेट है या 12-32-16 है, बहुत प्रचुरता के साथ में ज़िले में उपलब्ध है। सिस्टम जो होता है, कभी कभी इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट कभी कभी काम नहीं करता है, और जो सर्वर है वो सर्वर ना तो सोसाइटी का है, ना ज़िले का है, ना प्रदेश का है, सर्वर यूनिवर्सल है। तो कभी कभी नेट के कारण या सभी जगहों खूब सारा प्रेशर होता है तो कभी कभी धीमी गति से काम करता है। ये आपके और हमारे पास अगर कोई सर्वर होगा वो भी होगा, हमारा भी जो नेटवर्क है कभी कभी धीरे काम करता है, लेकिन वो कुछ समय में ठीक हो जाता है। पिछले 2 दिनों से समस्या आ रही थी और सर इसका समाधान निश्चित रूप से, देखो वो सर्वर ना तो सोसाइटी का है, ना जिले का है, ना प्रदेश का है, सर्वर यूनिवर्सल है। तो कभी कभी नेट के कारण या सभी जगहों खूब सारा प्रेशर होता है तो कभी कभी धीमी गति से काम करता है। ये आपके और हमारे पास अगर कोई सर्वर होगा वो भी होगा, हमारा भी जो नेटवर्क है कभी कभी धीरे काम करता है, लेकिन वो कुछ समय में ठीक हो जाता है। पिछले 2 दिनों से समस्या आ रही थी और सर इसका समाधान निश्चित रूप से, देखिए सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपका मेरा मोबाइल भी कभी कभी कम काम करता है, आप भी जब अपनी न्यूज़ भेजते हैं या अपने खबर भेजते हैं तो उसमें कभी कभी समस्या आती है, तो हम लोग उसको उस दौरान हम लोग उस संयम रखते हैं और थोड़ी देर बाद अपना काम हो जाता है। अच्छा, तो ये संयम रखने की बात है और कुछ नहीं है। आगे भी इस तरीके का विध्वंस नहीं आए ऐसे कार्यों में? इसके लिए देखिए, निश्चित रूप से आगे ये सबक है शासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, इसका सबसे अधिक महत्व है। वो कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो उसके साथ में जिला प्रशासन और पुलिस बहुत कड़ाई से पेश आएगी, क्योंकि शासन ये आम जन से संबंधित व्यवस्था है और आम जन का हित शासन का परम ध्येय है। हाँ देखिए, हाँ अब ये मैं निश्चित रूप से, आपने SDM आलोट की बात की है, SDM आलोट मौके पे थे, लेकिन विधायक जी ने जो मुझे पता पड़ा है और जो हम लोगों को बात आई है, विधायक जी ने उनकी भी नहीं सुनी थी, तो उनके प्रति नाराजगी थी, तो उनको अभी हटाया तो नहीं है लेकिन हटाने के निर्देश दिए। ये मुद्दा बहुत छोटा है, बड़ा मुद्दा जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। निश्चित रूप से विधायक जी ने उनकी बात नहीं मानी थी SDM की, लेकिन SDM ने मौके पे रह के कुछ काम, अच्छा काम किया है और व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सर कुल कितने पर इस मामले में कार्रवाई की? देखिए, अभी फिलहाल तो जो है 2 हैं, माननीय श्री मनोज चावला जी विधायक, और इसके अलावा योगेंद्र सिंह जी हैं 1-2, और इसके अलावा अन्य उनके साथी हैं जिसकी समय समय पर पुलिस के माध्यम से तहकीकात की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी इस पूरे मामले में ऊपर से आ गया था, ये जानकारी निकल कर आ रही है। लूट हुई है, कानून कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, उसके अलावा शासकीय कार्य में बाधा हुई है, तो इसमें प्रेशर की क्या बात है? मैं होऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, कोई दूसरा होगा उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था है, सब कुछ लोग आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए वेयर हाउस पे गए थे, लगातार किसानों की ओर से शिकायत आ रही थी कि उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं वेयर हाउस पे गया था और मैंने वहाँ के जो उपस्थित अधिकारी कर्मचारी से बात करी कि तुम लोग किसानों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे हो,
उनके द्वारा कई बहानेबाजी की गई। उसके बाद में हमने गोदाम चेक करा के मुझे बताओ कि गोदाम में खाद है कि नहीं है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को नागवार गुजरी और उन्हें कलेक्टर एसपी ने आके रात को मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और समस्त अधिकारियों को कि मनोज चावला किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। आप चाहे जितनी एफआईआर करा दो, हम पीछे हटने वाले नहीं है, डट के लड़ने वालों में से है। आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।